पाकिफ़ोर के मोज नाजरीन को खुश आमदीद यूट्यूब पर पाबंदी का अंदे सुप्रीम कोर्ट ने काबिल ऐतराज मवाद का नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और वीडियो वेबसाइट यूट्यूब पर काबिल ऐतराज मवाद का नोटिस ले लिया नोटिस फिर कवाराना जुर्म में मुलावि शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी अमीन अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा के हमें आज़ादी इजहार राय ऐसी कोई मसला नहीं हम आवाम के पैसे ऐसी तनख्वाह लेते हैं हमें कार फैसलों आरोप आवाम को बात करने का हक है फाजिल जज का जज का कहना है कि निजी जिंदगी का हक भी हमें आयन देता है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता जस्टिस काजी अमीन ने किया कि पी और ए ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है फाजिल जज ने कहा कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया आखिर इसका अहतम होना चाहिए यूट्यूब पर जजों को शर्मिंदा किया जाता है पी टी अकाम ने अदालत को बताया की हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामू बन कर बैठा है जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कई मुल्कों में यूट्यूब बंद है अमेरिका और यूरोपीय के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डाल कर देखे कई ममालक में सोशल मीडिया कवानीन के तहत कंट्रोल किया जा रहा है फाजिल जज ने रिमार्क दिए के फौज अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है जस्टिस काजी अहमद अहमद ने इस्तार किया के ऐसे जुर्म के मुंतकब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खारजा और अटारनी जनरल को नोटिस जारी कर दिया